अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल बिलाल टीवी पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ठीक ठाक और खैर आफियत से रखे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि तमाम अज़ला में, पाकिस्तान के तमाम अज़ला में तमाम तालब इल्मों के एग्ज़ाम MCQ से लेने का फ़ैसला कर दिया या नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z डिटेल बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, आज की इस वीडियो को आपने मुकम्मल ज़रूर से देख लेना है। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए आ चुके हैं तो आप सबको नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने उसको दबा देना है और साथ में बेल के आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना है। उससे आपका ये फ़ायदा होगा, जो भी आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ होगी वो आपको स्क्रीन पर सबसे पहले और बर वक्त मिलती रहेगी। तो चलो बात कर लेते हैं। शफकत महमूद ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में फाइनल फैसला जो किया वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो पिछले दिनों में काफ़ी ऐसे तालब इलम थे जो बार बार एहतजाज कर रहे थे कि हमें प्रमोट कर दिया जाए, हमें प्रमोट कर दिया जाए। उनकी जानिब से एक ही मुतालबा किया जा रहा था कि हमें प्रमोट कर दिया जाए। तो शफकत महमूद ने पिछली काफ़ी दिन पहले भी अपने ऐलान किया था, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में भी ऐलान किया। ऐलान ये है कि किसी भी तालब इल्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा, तमाम तालब इल्मों के एग्ज़ाम लिए जाएंगे, लेकिन जो उनके एग्ज़ाम है वो 70% MCQs होंगे और 30% लॉन्ग सवाल शॉर्ट सवाल होंगे। तो जो पेपर की टाइमिंग है वो पहले 3 घंटे हुआ करती थी, लेकिन अब जो पेपर की टाइमिंग है वो भी उन्होंने कम कर दिया है। तो शफकत महमूद ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में अपना फाइनल फैसला सुना दिया है। उम्मीद करता हूँ आज की मुख्तसर सी छोटी सी अपडेट थी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।